शिवजी राम मीणा, मैं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूँ। किस तरह का रोष देखने को मिल रहा है, क्या मांग की गई है? जिस ढंग से प्रशासन ने वहाँ मारपीट और तोड़फोड़ किए वो देखने योग्य नहीं है, मतलब निंदनीय है। कल मैं वहाँ गया था गांव में जगह जगह आगजनी, उनके चारा जला दिया, उनके घर जला दिए, कुछ बक्से थे, बक्सों में क्या था, आदमियों को ढूंढने के बहाने बक्से तोड़े और बक्सों का सामान बाहर फेंक दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे बक्सों में सामान था वो नहीं मिल रहा। इस तरह की घटना हुई है, छोटे बच्चों को मारा, यानी एक तो गोद में था बच्चा, उस औरत को मार रहे थे तो उस बच्चे की इतनी जबरदस्त लगी हुई है पीछे, छोटे बच्चों को मारा है, यानी सबके साथ इस तरह के जघन्य अपराध किया है कि जिसकी हद नहीं। अब रहा सवाल गाड़ियां, घरों के अंदर गाड़ियां थी उनको निकाल निकाल के जलाई है, लोग कह रहे हैं कि वो आंसू गैस से जली, आंसू गैस से बाहर वाली जल सकती है, कोई दूसरी गाड़ियां जल सकती है, एक एक गाड़ी पूरे गांव में घर घूम घूम के गाड़ियां जलाई है, मोटरसाइकिलें निकाल के जलाई है, 15-16 बड़ी गाड़ियां जलाई है, चारा जलाया है, एक मकान के चारों तरफ अंदर तक के शीशे और अंदर जाके टीवी फोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिए, इस तरह की घटना की है जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। समाज में जबरदस्त रोष है, अगर कोई घटना हो गई थी, किसी ने अपराध किया था तो उसकी सजा उसको मिलनी थी। गांव वालों को इस तरह की सजा देने का अधिकार किसने दिया? पुलिस तो रक्षक होती है, पुलिस को तो रक्षा के लिए मानते हैं और वो पुलिस ही भक्षक बन गई। वहां के लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर एक कोई सब इंस्पेक्टर और 15-20 जो लोग थे उसके साथ, उन्होंने बर्बरतापूर्वक ये काम किया है, जानबूझ के ये काम किया है। सर्व समाज का ज्ञापन है, सिर्फ समाज का रोष है, ये सर्व समाज का रोष है। मीणा समाज तो नाराज है ही है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मीणा समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग साथ है और वो इस घटना में हमारे साथ है भी। हमारी मांग है कि एक तो न्यायिक जांच हो इसकी, किसी भी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से हो या किसी भी मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से जांच हो, मगर इसकी न्यायिक घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हैं हम सब लोग। घटना की न्यायिक जांच से हम ये चाहते हैं कि दोषी कोई भी हो, पुलिस है, प्रशासन है, हम है, जो भी दोषी होगा वो मुलजिम होगा, मगर कम से कम जांच तो सही कराओ। जांच करने वाले और मतलब ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बिल्कुल इनोसेंट थे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, गांव के अंदर से निकाल निकाल के मारा है और निकाल के लिया है। मैं खेमराज मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ मीणा समाज का। किस तरीके का आक्रोश है? आक्रोश आपके सामने, जब से जिस दिन से चुनाव हुआ आप देख रहे हो, आप पत्रकार बंधु, जो घटना हुई है वो आपके सामने है। जिस गांव की जो घटना देखी जाए वो मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मौके पे मैं खुद जाके आया हूं। हर घर में तोड़फोड़, बहन बेटियों के साथ मारपीट, गंदी हरकतें, जेवरात चोरी ले गए, टीवी तोड़ दिए, पलंग तोड़ दिए, खिड़कियां दरवाजे तक नहीं छोड़े, छोटे बच्चों को मारा पीटा, ऐसा घिनौना कभी देखा नहीं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं खुद मौके पे देखा हूँ। इसलिए गांव में गाड़ियां तोड़ दी, जला दी, उनकी जो कड़पी थी, कांक लाते सारे, मतलब और उनकी जो जान बचाई उन्होंने, एक तालाब के उसमें से निकलते हुए गांव वाले कह रहे कि साहब 100-200 मोबाइल तो इस तालाब के अंदर मिल जाए यदि ढूंढे तो, ऐसे चप्पल जूते वहाँ बिखरी पड़ी हुई है, मतलब मंजर जैसा नजर आता है, ऐसा कभी राजस्थान में सुना नहीं। नरेश जी ने ऐसा कोई दुर्घटना, ऐसी घटना नहीं की। मारपीट पुलिस वाले नेताओं को कितने बार मारपीट करते हैं, कितनी बार कपड़े फाड़ते हैं, वो तो जेल नहीं गए कभी। इसने क्या गुनाह कर दिया? गांधीवादी तरीके से ही तो धरना दिया था, जनता ने उनकी मांग थी इसलिए वो बैठ गए थे, और शाम को रात्रि को भोजन कर रहे हैं, उसको लाठियां मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े उनके घरों में पड़े हैं वो गोले भी आज भी। ज्ञापन में किस तरह की मांग? ज्ञापन में यही मांग है, एक तो CBI जांच, मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन दिए हैं जिला कलेक्टर को, तो उसमें यही मांग है गांव वालों की न्यायिक जांच हो, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, और जो लोग जेलों में बंद है निर्दोष उनको छोड़ा जाए, और नरेश को भी जल्दी रिहा करें, नहीं तो सर्व समाज के लोग सड़कों पे आने वाले हैं। आप देख रहे हो हर ब्लॉक पे आज ज्ञापन दिया है, अब पूरे जिले पे पूरा जिला इकट्ठा होगा यदि प्रशासन पे जू नहीं रहेगी। अल्टीमेटम यही देंगे, एक बैठक करेंगे सर्व समाज की, उसके बाद ही अल्टीमेटम देंगे, प्रशासन नहीं सुना तो। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी है, क्या मानते हैं सरकार तक बात पहुंचाएंगे? इसमें देखो बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे सर्व समाज के लोग मेरे पीछे खड़े हैं, कई सरपंच भी है, कई जनप्रतिनिधि भी है,
तो इसमें बीजेपी कांग्रेस न्याय में कोई भी बैठ सकता है, न्याय के लिए आगे कोई भी आ सकता है। सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से मैंने मेरे फोन द्वारा मैंने बात पहुंचा दी प्रदेश अध्यक्ष जी से मदन जी राठौड़ तक कि वहां पे पुलिस ने बर्बरता की है, और मेरी रात को बात हुई है उनसे प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो वो जरूर न्याय दिलाने के लिए पूरा मुख्यमंत्री से प्रयास करेंगे कि जनता को न्याय मिले और जो उनकी मांगे वो पूरी हो जाएगी आचार संहिता बाद में। अल्टीमेटम एक बैठक है, लूट का तोड़फोड़ का, ये किस पे लगाया? ये पुलिस प्रशासन ने जो गांव ने जो मैं गांव में गया तो गांव वालों ने उन्होंने दिखाया कि साहब यहाँ इसमें मेरे आलमारी तोड़ी है, इसमें मेरे जेवरात थे, महिलाओं के जेवरात थे, हमारे लूट लूट करी उन्होंने, पैसे चोरे, ये सब पुलिस का काम था। पुलिस घुसी थी अंदर मकानों के अंदर, और प्रशासन तो कोई था नहीं पुलिस वालों के लिए, उन्होंने गांव वालों ने जरूर बताया। अब प्लानिंग कब है, कब बैठक? प्लानिंग जल्दी हम बैठक करेंगे, एक दो दिन में समाज के सर्व समाज के लोग इकट्ठे होंगे। प्रशासन को कितने दिन का समय दिया? प्रशासन में अभी बैठक करने के बाद ही हम बता सकते हैं आपको। अभी टाइम दिया? अभी टाइम दिया, अभी आज तो ज्ञापन दिया है, उसके बाद पूरे जिले की बैठक करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे आपको। क्या प्रमुख मांग रखी? न्यायिक जाँच हो, और जो गाँव में मुआवजा मिले उनको जो तोड़ फोड़ हुई है और बहन बेटियों के साथ अभद्रता की है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जो जेलों में बंद है उनको छोड़ा जाए, उनके बच्चों को घर पहुंचाया जाए।